सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के YouTube चैनल मिस्टर DK में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं NDTV के बारे में, जिसे आप न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के नाम से भी जानते हो। आप देखोगे स्टॉक के अंदर काफ़ी टाइम से लगातार तेजी बनी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ के कारण कि अडानी के पास जो है इसका 229% स्टेक जो ना चला गया है, यानी एक्वायर कर लिया गया है किसी और कंपनी के थ्रू। तो ये सब जो ना हमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त बूम आया है। और आप देखोगे भाई, ऐसे स्टॉक के अंदर जो ये बूम आया था ना, आप देखोगे 390 रुपये के आसपास शेयर प्राइस था उस समय, और 390 से आप देखोगे स्टॉक जो ना 550 रुपये के लेवल को टच किया है आज में। जी हाँ, ऊपर में आप देखोगे 550 को जो ना टच किया है। तो ऐसे में भाई देखो, प्रॉफिट बुकिंग के संकेत ऊपर से बन रहे थे, तो पब्लिक ने और जो ना ऑपरेटर्स ने इसके अंदर देखो, पहले तो ऑपरेटर ने इसके अंदर एकदम सेलिंग का प्रेशर बढ़ाया है, और फिर पब्लिक भी इसको साथ साथ जो ना सेलिंग का प्रेशर बढ़ाने लग गई, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है वो हमें 5% के LC के अंदर लॉक होते हुए नजर आया है। पीछे आपने देखा कुछ टाइम से लगातार 5% के UC लगा रहा था। और एक और इसकी जो ना बैड न्यूज़ निकल कर आई थी, जी हाँ, 5 सितंबर की एक बड़ी बैड न्यूज़ की, जिसकी वजह से हमें जो ना ये एकदम LC देखने को मिला स्टॉक के अंदर। बट सुबह आपके पास मौका था स्टॉक से बाहर निकलने का, जब इसके अंदर UC लगा था ना, तब आपको ये सेल कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देखो भाई, आपको एक्टिव रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है वो क्या है कि ये जो स्टॉक है वो ASM की सेकेंड स्टेज पर चला गया है। जी हाँ, कल की अगर मैं बात करूँ, कल इसकी एंट्री थी ASM की सेकेंड स्टेज में। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो देखो जिस लेवल से स्टॉक को भगाया है, इतनी तेज़ी से स्टॉक भागेगा, कहीं स्टॉक के अंदर कोई मैनिपुलेशन तो नहीं चला है, तो ये सब कुछ जो ना सेबी है वो देखती रहती है, जिसकी वजह से आप देखोगे सेबी ने इसको जो ना ASM की सेकंड स्टेज में डाल दिया है, और जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो दो रीज़न हो गई, और थर्ड रीज़न और आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न तो आप देखो भाई, ASM लिस्ट वाला हो गया, सेकंड स्टेज में पहुंच चुकी हैं, और थर्ड रीजन क्या होने वाला है कि ऑपरेटर्स ने जो ना आज, जी हाँ, आज दबाकर माल निकाला है सुबह। जैसे ही ऊपर से माल निकला है तो पब्लिक भी फिर जो ना उसके पीछे पीछे सेल करना स्टार्ट कर दिया है पब्लिक ने भी, जिसकी वजह से हमें जो ना ये करेक्शन देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, किस लेवल पर जो ना माल निकलते हुए नजर आया है, किस लेवल पर जो ना वो शेयर सेल किए गए हैं, और हम डिस्कस करेंगे क्या हमें स्टॉक के साथ थोड़ा और टाइम के साथ बने रहना चाहिए, और आपके जो शेयर है वो सेल तो होंगे नहीं भाई अब, ठीक है। तो इससे अच्छा जो सेलिंग का आपने ऑर्डर लगाया ना स्टॉक के अंदर, वो हटा दीजिए। अगर आप हटा दोगे तो स्टॉक के ऊपर सेलिंग प्रेशर कम होगा, तो स्टॉक जो ना फिर से सस्टेन कर पाएगा, और ऊपर की तरफ जो है क्या पता शायद भाग चले। तो आपको जो ना ये सेलिंग प्रेशर नहीं लगाना स्टॉक के ऊपर। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, इसके अंदर क्या हमें देखने को मिला है आज की डेट में। तो आप देखोगे आज की डेट में जो न्यू दिल्ली के अंदर, जी हाँ, जो NDTV के अंदर बड़ी बड़ी लार्ज डिले हमें देखने को मिली है, बल्क डिले आप जिसको बोल सकते हो, जो हमें होते हुए नजर आई है, वहाँ पर जो शेयर है वो सेल किए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो शेयर है वो सेल किए गए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ NSE और BSE दोनों जगह पर। आज की डेट में 6 तारीख को आप देखोगे ये जो ऑर्डर है वो हमें ज़बरदस्त लगते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये जो ऑर्डर लगा हुआ है 513 रुपये पर सेलिंग के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे 518 रुपये पर भी शेयर सेल किए गए हैं सुबह ही, उसके पहले आप देखोगे 560 रुपये पर जब स्टॉक ऊपर गया था तब सेल किए गए थे, और यहाँ पर आप देखो ये जो ऑर्डर है 559 रुपये पर सेल किया गया था, 3.5 लाख के आसपास के जो शेयर है ये निकाले गए थे एकदम से, जिसकी वजह से देखो भाई एकदम ये जो सेलिंग का प्रेशर बढ़ा ना स्टॉक के ऊपर, यहाँ पर जो ना टाइमिंग दिया गया किस टाइम पर जो ना ये ऑर्डर हमें देखने को मिले हैं, जिस वजह से स्टॉक के अंदर एकदम से हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो ये सेलिंग का ऑर्डर एकदम से लगा, तो उसके पीछे पीछे देखो भाई पब्लिक ने क्या सोचा कि शेयर सेल होने लग रही है तो करेक्शन होगा स्टॉक के अंदर, तो फिर पब्लिक भी जो ना पीछे पीछे उसके सेल करने लग जाती है। तो पब्लिक के द्वारा सेलिंग प्रेशर बढ़ाने के कारण, और आप देखो ऑपरेटर ऊपर से तो ये तो निकल चुके थे, ठीक है, तो आप पब्लिक को थोड़ा शांति से बैठे रहना चाहिए था भाई। आप लोगों ने भी इसके ऊपर सेलिंग का प्रेशर बढ़ा दिया, अब हर कोई जो भी स्टॉक के अंदर फंसा है वो सारे सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, और सारे सेलिंग के लिए ऑर्डर लगा रहे हैं, मार्केट प्राइस पर लगा रहे हैं, लेकिन शेयर तो सेल होगा नहीं, ठीक है, क्या पता स्टॉक को फिर से घुमा दिए ऑपरेटर। तो आप जो ना जैसा है वैसा रहने दीजिए हाल फिलहाल, अगर आप सेलिंग का प्रेशर बढ़ाओगे तो स्टॉक हमें जो ना और ज़्यादा करेक्ट होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ नीचे में सपोर्ट की, तो क्या नीचे में सपोर्ट बन रही है, और आपने देखा होगा 26% का जो स्टेक है वो और लेने के बारे में जो ना बात चल रही है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, स्टॉक जो ना हमें 1000 रुपये को ब्रेकआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंस बनाकर, धैर्य बनाकर स्टॉक के साथ चलना होगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना था तो आज का मौका सबसे बेस्ट है,
क्योंकि कल आपने देखा होगा 5 सितंबर को ये जो स्टॉक है ASM के सेकंड स्टेज में पहुंचा था। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ नीचे में इसके सपोर्ट की, तो हाल फिलहाल जो सपोर्ट निकल रहा है वो आप देखोगे 459 रुपये का निकल रहा है। जी हाँ, 459 रुपये का हमारा पहला सपोर्ट रहेगा। अगर इसको स्टॉक नीचे में काटता है तो फिर हमें जो ना ये 390 रुपये के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट 390 रुपये के जो लेवल स्टॉक नहीं दिखाएगा हमें, जो ना इससे पहले ही इसके अंदर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ जाएगी। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे NDTV को लेकर। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स आपके मन में रह जाता है, अगर आपको और कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।